तो दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग कम ऑपरेशन ज़्यादा। समझ में आया? नहीं आया ना, अभी मालूम पड़ जाएगा। तो आज है मेरे पास एक प्रोडक्ट, बहुत ही पतला सा है। अब मैं इसे देख के आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है। तो इसके अंदर है एक गुब्बारा, एक पावर बैंक, एक इमरजेंसी लाइट, एक सोलर पैनल, एक और क्या है भाई साहब, एक चार्जर, एक एलईडी पैनल, इतना कुछ इस एक छोटे से बॉक्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज हम अनबॉक्सिंग कम ऑपरेशन ज़्यादा करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आमिश और आप देख रहे हैं आमिश टेक्सूल। तो चलिए फिर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है। वैसे मिला तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो अभी अभी आपने देखा वो सब कुछ मौजूद है। तो ये है एक, क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप दिख रहा है, पहले तो इस स्ट्रैप को हटाएंगे जो कि बाद में बनेगा हमारे लिए एक हैंडल। तो कुछ इस तरह से ये पीछे से हटा, आगे की ओर आया, यहाँ पर लाके फिट हो गया और ये बन गया हैंडल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गुब्बारा कैसे बना। तो पहले तो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक है टुच्ची, जिसमें आप चाहे अपने पंप से हवा भर सकते हैं या फिर आपके फेफड़ों में अगर ताकत ज़्यादा हो तो आप अपने फेफड़ों की मदद से भी इसमें हवा भर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे फेफड़ों में हवा ज़्यादा है और पंप कम है, तो चलिए फिर इसमें हवा भर लेते हैं। तो हवा भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है एक नोज़ल, इस नोज़ल में हमें लगाना है मुँह पे और पूँ से करके फुला देना है। फेफड़ों में सच में ताकत ज़्यादा थी मेरे। और ये इस तरह से लग जाने के बाद इसको हमें कर लेना है अंदर। तो ये ऐसा दबाइए और ये घुस गया अंदर। तो ये क्यों अंदर जाता है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसे हमें यहाँ पर ऐसे रखना होता है, और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें सोलर पैनल कहाँ है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसे 8-10 दिन यूज़ किया हुआ है कि ये कितना सफिशिएंट है, कितना वैल्यू फॉर मनी है, कितना ये हमारे कारगर है। तो हाँ भाई, मैंने इसे 8-10 दिन यूज़ किया हुआ है और यूज़ करने के दौरान ये थोड़ा सा घिस गया है, जो कि यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा हुआ था। फिलहाल आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ कलर पैटर्न दिख रहा होगा, वाइट और कुछ डार्क जैसा। तो यहाँ पर एक था पैनल, वो अभी भी है, लेकिन जब सनलाइट में लेके जाएंगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट करेगा। फिलहाल वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सरफेस है प्लास्टिक का, सोलर पैनल था कांच का, दोनों ने रगड़ा रगड़ी किया और ये कांच का प्लास्टिक, मतलब कुल मिलाकर के ये प्लास्टिक घिस गई। तो ये अब हमें सही तरह से नहीं दिख रही है। और इसमें क्या है, मैंने कहा था पावर बैंक है, तो पावर बैंक के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये है पावर बैंक का सॉकेट, जहाँ पर आपको USB केबल लगाना है और अपने मोबाइल को चार्ज करना है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा चार्ज करा करके। इसके बाद इसमें क्या है कि ये खुद ब खुद चार्ज हो करके, पावर बैंक तो है ही, तो जाहिर सी बात है सोलर पैनल भी है, पावर बैंक भी है। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसमें LED पैनल भी है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है। तो ये तीन स्टेप्स में दबता है, एक है फुल ग्लो, एक है हाफ ग्लो, एक है फ्लिकर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये उत्तरी की लाइट, सारी बुझाओ, लाइट सारी बुझाओ, सोलर पैनल से काम कर रहा है, वो भी बुझाओ। सॉरी यार, मुझे सब कुछ इसमें लाइट बुझाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ इसमें ऐसा है कि जब सनलाइट पड़ती है या फिर रोशनी पड़ती है तो इसका जो पैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो इसमें LED लगी हुई है उसे ये ऑफ कर देता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ की लाइट को बुझाना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फिलहाल लाइट बुझाओ यार, तो एक बार, तो यहाँ पर आपने अभी भी देखा कि जैसे ही यहाँ पर लाइट को ऑफ किया गया इसमें लाइट ऑन हो गई। तो ये है फुल ग्लो, ये है हाफ ग्लो और ये है इसका फ्लिकर। फिलहाल कैमरे में ISO कम है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रोशनी कम देखने को मिल रही है, मैं भी शायद नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिलहाल लाइट को फिर से ऑन किया जाए ताकि मैं आपको और ज़्यादा बता सकूँ, क्योंकि लाइट ऑन होते ही इसका जो ये बल्ब है ये ऑफ हो जाता है। तो एक चीज़ फीचर मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पसंद आया कि जैसे ही आप इसे सनलाइट में लेके जाएंगे या फिर ऐसे किसी रोशनी में लेके जाएंगे तो इसका सोलर पैनल और सर्किट ऑन होते ही इसकी LED को ऑफ कर देता है। तो ये एक खास फीचर है क्योंकि इस दौरान जब सोलर रोशनी इस पर पड़ती है, सोलर लाइट पे पड़ती है, तो बैटरी चार्जिंग के टाइम पर इसका जो पैनल है, LED पैनल है, वो ख़राब हो सकता है, सोलर पैनल नहीं, LED पैनल ख़राब हो सकता है।
अब मैंने क्या कहा था कि मैं इसका ऑपरेशन भी करूँगा, अनबॉक्सिंग तो हो गई लेकिन अब मैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ ऑपरेशन भी करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं इसे अभी मोबाइल चार्ज करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बैटरी थोड़ी धीम है, और मैं आपको दिखा दूं कि बाहर का मौसम कैसा है तो आप इस टाइम लैप्स का नज़ारा से मालूम कर लीजिए कि अभी मौसम कैसा है, तो आप ये टाइम लैप्स देखिए। तो चलिए फिर अब आ गया टाइम इसे ऑपरेशन करने का, तो मुझे खुद भी इसमें एक मन कर रहा है कि मैं इसे फोड़ फाड़ करके, फिलहाल मैं इसके गैस चैम्बर को यानी एक बैलून चैम्बर को मैं ख़राब नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ इसके पैनल वाले चैम्बर को ही मैं ब्लेड से काटूँगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी सर्किट है जिसकी मदद से ये इतना अच्छा खासा काम करता है। एक और चीज़ की मैंने इसकी अगर बैकअप की बात की जाए, LED बैकअप की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे एक दिन 3.5-4 घंटे के आसपास लगातार ऑन रखा था फुल ग्लो पर, तो ये पूरी तरह से काम कर गया था, बैटरी डाउन नहीं हुई थी। हाँ, अगर आपके मोबाइल को चार्ज करने की बात आती है एज अ पावर बैंक, तब शायद मैंने इसे चेक नहीं किया था कि कितना देर तक ये चार्ज करता है, बस मैंने प्लग किया, चार्ज भरा था, मैंने वहीं पर छोड़ दिया। तो चलिए फिर अभी से यहाँ से इस ब्लेड की मदद से काटने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरा जो ये गुब्बारा है जिसे मैंने फुलाया वो पचके ना, फिर भी एक बार मुझे इसके अंदर चेक करना ही है, और अगर ये सक्सेस हो जाता है और ये गुब्बारा बच जाता है तो मैं इसे वापस से रीअसेंबल कर दूँगा। और एक चीज़ कि मैं इसका जो पैनल निकाल रहा हूँ वो पैनल मैं अपने एक अगले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी वो वाली यानी नई वाली वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और एक बात यार कि अभी तक अगर तुमने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और कुछ देर के बाद आकर के नीचे कमेंट भी कर देना, तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपके मन में कितनी इच्छा है नई वाली वीडियो को यानी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फिर अब इसे काट लेते हैं और देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ ऐसा काटता हूँ कि पैनल वाला एरिया ही काटूँगा, वैसे मुझे लगता है काफ़ी काटना पड़ जाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए तो ये है हमारा पूरा फुल सोलर पैनल जो इसमें अभी तक इस्तेमाल हो रहा था, और ये है वो प्लास्टिक जो कि घिस गई थी इस पैनल के संपर्क में आ करके। तो अब तो मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, इसकी जगह पर मैं कोई लैमिनेशन पेपर यूज़ करूँगा ताकि मुझे और भी ज़्यादा क्लियर रोशनी मिल सके इस पर डायरेक्ट सन की, ताकि ये और अच्छी तरह से चार्ज हो जाया करे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख पा रहे, वैसे मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, कैमरे में नहीं आ पा रहा है, इस रोशनी की वजह से जो इस पैनल पर पड़ रही है रोशनी, तो यहाँ पर एक इंडिकेटर ऑन हो जा रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि हाँ ये अभी इस वक्त चार्जिंग कर रहा है, जो कि चार्ज तो नहीं कर पा रहा होगा ठीक तरीके से, लेकिन फिर भी इसको एक इंडिकेट हो जा रहा है अंदर कि हाँ यार अभी मैं सनलाइट के अंदर हूँ। तो दोस्तों अभी जो है ये पैनल कुछ ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है कि यहाँ पर एक इस सोलर पैनल के जस्ट नीचे एक कागज़ का एक गत्ता है, गत्ता जानते हैं दफ्ती जो आपके बुक्स में होती है, तो वो दफ्ती की मदद से ये अभी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मुझे ये पूरा वाइट वाला पोर्शन ही काट करके निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी 2 मिनट रुक जाइए, बस मैं काट के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा वो गुब्बारा जो कि अभी भी बचा हुआ है, अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से बचा हुआ है, और ये है वो पैनल जो कि अंदर से निकल के आ गया है बाहर। तो कुल मिलाकर के जो मैजिक है वो इसी का ही है, और ये है हमारा सिंपल सा गुब्बारा। फिलहाल ये दोबारा से मैं यूज़ करूँगा, और आपको दिखाने के लिए मैंने इसे एक बार काट करके निकाल लिया है तो वो अलग बात हो गई। तो फिलहाल इस गुब्बारे का दोबारा तो हमें काम है नहीं, मैं इसे करता हूँ साइड में, और अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। नहीं, डबल साइड टेप है ना, तो बैटरी भी अलग हो रही है। देखिए 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 देखिए। तो ये है वो प्लास्टिक जिसकी मदद से इतना कुछ छिपा के रखा गया था आपसे, तो मैं इसे भी करता हूँ साइड में।
आपको एक चीज़ में दिखाता हूँ कि चाइना कितना चालू है, चाइना के ऊपर चालू वर्ड एकदम सूट करता है। देखिए यहाँ पर एक जो है बैटरी के पावर बैंक के सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब कभी भी आप इस तरह के पावर बैंक को ओपन करेंगे तो आपको ये वाली सर्किट दिखाई देगी जो कि यहाँ पर इन्होंने छुपा करके फिट किया हुआ है, जो कि कुछ अभी ऐसे था। अब यार इसको अंदर लगाने का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो सोलर पैनल से निकलने वाली जो बिजली है वो लेते हैं ये लोग यहाँ पर इसके सर्किट बोर्ड पर। तो ये क्या करता है कि रेगुलेट करता है कि इस बैटरी को ओवरचार्ज ना करने पाए। वहीं चाइना अगर चाहता तो जिस तरह से उन्होंने इस सर्किट बोर्ड को बनाया हुआ है, इस ब्लैक वाले सर्किट बोर्ड को बनाया हुआ है, वही आईसी ये इस सर्किट बोर्ड पर रख करके माउंट कर सकते थे और इस तरह की चीप हरकत को ना करते। लेकिन क्या कर सकते हो यार, चाइना है, पैसा बचाएगा, कोशिश करेगा, तो कर दिया इन्होंने। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इनकी कि ये ओवर वोल्टेज की वजह से बैटरी ना ख़राब होने पाए उसका बारे में इन्होंने सोचा और इस सर्किट को लगाया ताकि ये बैटरी फूलने ना पाए। ये अच्छी बात है। तो चाइना चालू ज़रूर है लेकिन चालाक भी है। वर्ड अच्छा था यार, चालाक, चालू, चाइना। तो मैंने क्या कहा था कि मैं इस पैनल को अगली नेक्स्ट वीडियो में इस्तेमाल करूँगा। तो जी हाँ, मैं इस पैनल को निकाल करके अगली वीडियो में इस्तेमाल करूँगा। तो उस चीज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि जैसे ही मेरी नई वाली वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाया करेगी ना। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लग गई हो तो लगी जाएगी थोड़ा बहुत, तो लग गई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और जाते जाते इस लाइक वाले बटन को भी दबा करके ब्लू कर लेना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी, कि हाँ यार आपने आमिस भाई की एक वीडियो को लाइक किया। एक बार मैं इसे और ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये है, ये दिख रहा है भाई साहब? हाँ दिख रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।